की स्पेशल सेल को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। ISIS टेरर मॉड्यूल के आतंकी इंजीनियर शाहनवाज और शैफी उज्जमा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा दो और आतंकवादियों को भी गिरफ्त किया गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद अरशद वारसी और मोहम्मद रिजवान नाम के दो अन्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी की है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक शाहनवाज और शैफी उज्जमा के कनेक्शन इन आरोपियों से जुड़े हैं। आरोपी शाहनवाज को इससे पहले 17-18 जुलाई की देर रात को पुणे पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त पकड़ा था, तभी वह हिरासत से फरार हो गया था। इस्लामिक स्टेट का संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा NIA की मोस्ट वांटेड सूची में था। शाहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में एक ठिकाने से गिरफ्तार किया है। शाहनवाज का एक खनन इंजीनियर है, पुणे से भागकर दिल्ली आ गया था, तभी से यहां रह रहा है। पिछले महीने NIA ने पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में वांछित शाहनवाज सहित चार आतंकी संदिग्धों की तस्वीरें जारी की थी, साथ ही 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। एजेंसी ने कहा था कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। शाहनवाज और दो अन्य मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद यूनुस मोहम्मद याकूब साकी को पुणे पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। जब पुलिस उन्हें तलाशी के लिए पुणे कोंडवा स्थित अपने आवास पर ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस वाहन से कूद गया और भागने में सफल रहा। पुलिस को आरोपियों के लैपटॉप मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और 500 GB डेटा भी मिला है, जिसमें बम बनाने की YouTube वीडियो के लिंक और विभिन्न स्थानों की गूगल से ली गई तस्वीरें हैं। जांच के दौरान ये पता चला कि एक विदेशी आधारित हैंडलर ने संभवतः फरवरी में आतंकी हमले को अंजाम देने के निर्देश के साथ शाहनवाज को इमरान और यूनिस के संपर्क में रखा था। 10 से 15 दिनों के बाद शाहनवाज कथित तौर पर रिजवान को दिल्ली लाया गया। एजेंसी को यह भी पता चला कि गिरोह ने कोल्हापुर सांगली और सतारा में स्थानों का दौरा किया था। ये जांचने के लिए वहां टीमें भेजी थी कि उन्होंने क्या करने की योजना बनाई थी। ATS ने 8 अगस्त को ठाणे जिले में दो आरोपियों आकिफ अतीफ नाचन और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला को गिरफ्तार करने के बाद मामला NIA को सौंप दिया था। जांच के दौरान NIA को पता चला कि विदेशी हैंडलर्स की मदद से निर्देश मिल रहे थे। शाहनवाज को फरवरी में एक आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए संपर्क किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।